स्टूडेंट, तो बेटा आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। यानी आपके पास जनरल सॉल्यूशन गिवन है और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ानी है, इसका मीनिंग ये है। यानी कि सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन बड़ा सॉल्यूशन होता है बेटा जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, एक ऐसा कर्व मिलेगा जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होंगे और उस कर्व से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी होगी, ठीक है। तो देखिए कैसे फॉर्मेशन करते हैं, जो आपके पास सॉल्यूशन गिवन है उस सॉल्यूशन के अंदर पहले तो आप चेक करेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने बेटा। मान लीजिए टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसका टू टाइम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इलिमिनेट कर देंगे, तो वो आपके पास आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन, ठीक है। तो याद रखिए जितने आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही टाइम आप क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों करेंगे, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को इलिमिनेट करने के। अगर आप आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को इलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। देखिए जैसे क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर वन है, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन इलिमिनेटिंग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ए एंड बी। ये कोई गिवन कर्व है, यहां से आपको आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ए और बी गिवन है, इनको इलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन करना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, पहले तो हम जो गिवन करा हुआ वो लिख लेंगे। वी हैव गिवन, जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेंगे। तो गिवन करा हुआ आपके पास है बेटा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। ये गिवन करा हुआ है, ये इसके अंदर टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, तो क्लियर है कि हम टू टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे ए और बी को इलिमिनेट करने के लिए। तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट x v गेट। क्या मिलेगा भाई, x by a, x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1, सो 1 by a, ठीक है, और y का डिफरेंशिएशन होता है बेटा dy by dx। ये 1 by b तो कांस्टेंट है, तो y का मिला dy by dx इज इक्वल टू 1 का होता है 0। तो ये आपके पास यहां तक है, तो इसको क्या ले सकते हैं हम, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो यहां से आपके पास आएगा डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यह आएगा डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देखिए एक स्टेप और कर लेते हैं बीच में, ये आपके पास है 1 बाय बी डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय ए, इसको इस साइड में हो गया नेगेटिव हो गया। अब ये बी यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से माइनस बी वाई हो गया, तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी वाई। ये नंबर टू है, मैंने बोला कि यहां पे आपके पास टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो टू टाइप डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार तो आपने कर लिया फिर एक बार फिर करेंगे। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट एक्स बेटा। क्या मिलेगा, ये डीवाई बाई डी एक्स है तो इसका तो हो जाएगा डी टू वाई बेटा, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये तो बी बाई ए है, दोनों ही कॉन्स्टेंट है तो जीरो। ये तो आपके पास मिला डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। देखिए यहां भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, यहां भी है, यहां नहीं है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड, ये क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया बड़ा क्वेश्चन, तो इस टाइप से सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, जहां आपके जो कॉन्स्टेंट वो इलिमिनेट हो जाएंगे वही आपका आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा, वही आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये है क्वेश्चन नंबर वन। बड़ा क्वेश्चन नंबर वन से फाइव सभी एक ही पैटर्न पे है, तो क्वेश्चन नंबर वन भी कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर है वो आप खुद कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए वही है, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन इलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट ए एंड बी। द गिवन कर्व इज वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। यहाँ पे ए और बी टू कॉन्स्टेंट, तो देखिए सोल्यूशन इसका, अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो आप लिखेंगे वी हैव गिवन
जो हमारे पास गिवन कर्व है, वी हैव गिवन दैट y इज इक्वल टू e रेस टू पावर x इंटू ए कॉस x प्लस b साइन x। बेटा नंबर वन नाम दे देते हैं इसका। यहां पे a और b टू कॉन्स्टेंट है, तो टू टाइम तो डिफ्रेंशिएशन करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट x क्या मिलेगा भी? y का तो मिलेगा dy बाई डी एक्स। ये बेटा ये u इंटू वी से करना पड़ेगा, u इंटू वी आएगा बेटा। सो e की एक्स एजेटिज कर देते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। a तो कांस्टेंट है, cos का माइनस साइन, तो माइनस a साइन x। b कांस्टेंट है, साइन का cos, u इंटू वी से कर रहे हैं, ये एजेटिज इसका डिफ्रेंशिएशन। प्लस बेटा e की एक्स एज इट इज, सॉरी e की एक्स का डिफरेंशिएशन e की एक्स। अब ये एज इट इज a cos x प्लस b sin x, ये आपने u इंटू वी से कर लिया, u इंटू वी से e की एक्स एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन, फिर ये एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, इस टाइप से हम कर सकते हैं। अगर आप चाहें यहां बेटा ये वैल्यू देखिए, ये अगर आप यहां चाहें तो दोबारा y लिख सकते हैं बेटा। तो ये क्या मिलेगा, e रेस टू पावर x माइनस a साइन x प्लस b कॉस x। ये वैल्यू किसकी है, y की। तो इसकी जगह प्लस y कर देता हूं, प्लस y, ठीक है, यूजिंग वन, क्योंकि वन में ये वैल्यू y की है तो यूजिंग वन कर दिया ये बेटा। ठीक है ना, ये यूजिंग वन हो गया, तो आपको जो डीवाई बाई डी एक्स है इसके इक्वल मिला। ठीक है, अब आपके पास टू आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है तो क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफ्रेंशिएट। सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट एक्स, एक बार फिर आप डेरिवेटिव कर दीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट एक्स बेटा। वी गेट क्या मिलेगा भाई, अगेन करेंगे तो जो ये डीवाई बाई डी एक्स है तो डी टू हो जाएगा, तो ये हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स के। हाँ जी ठीक है, फिर इसका करना पड़ेगा बेटा यू इंटू वी से, तो क्या मिलेगा, वी इंटू वी से करेंगे, ई रेस टू पावर एक्स एज इट इज साइन का कॉस, तो ये मिलेगा माइनस ए, ये हो गया कॉस, ठीक है, और ये माइनस बी साइन एक्स। ये फिर अब ई के एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ई के एक्स होगा बेटा है ना, ये एज इट इज ये वाली वैल्यू, तो ये आएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये और प्लस वाई, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, एक वाई बचा है उसका डी वाई बाई डी एक्स, यहां तक हमने कर दिया। अब देखिए इसकी वैल्यूज पे आते हैं, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले दू तो ये होगा माइनस ई की एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये माइनस ई की एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये एज इट इज बेटा, ये ई की एक्स एज इट इज। ठीक है जी, ये जो बचा इसको लिख दीजिए माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू है आपके पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स के, यहां तक। अब एक चीज और नोट करिए, यहां पे ये फिर ये इस वन से वाई हो जाएगा, तो ये तो चला गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, तो ये मिला डी टू वाई अपॉन डी एक्स के बेटा इक्वल टू, ये वाई हो गया तो माइनस वाई मिल गया। ठीक है जी, अब ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, ये वाली वैल्यू, ये यहां पे देखिए ये डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस है, ये नंबर टू ले लेते हैं, नंबर टू बेटा वन पहले ले चुके थे, नंबर टू अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू चेक करूं e की पावर माइनस e की पावर एक्स इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो क्या आएगा बेटा डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई आएगा,
अगर मैं इस क्वांटिटी की वैल्यू यहां से निकाल दू इसकी सिर्फ इसकी वैल्यू तो ये ई के एक्स इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स तो ये आएगा डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई आएगा तो मैं इसकी वैल्यू यहां यूज कर लेता हूं बेटा देखिए ये यहां पे और ये बिल्कुल सेम है तो क्या वैल्यू आएगी इसकी डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई तो मैंने लिखा डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई ये इस टाइप से और ये डीवाई बाई डी एक्स पहले से बेटा डीवाई बाई डी एक्स किसको यूज किया है यूजिंग वन को भी यूज किया और टू को भी यूज किया यूजिंग वन एंड टू दोनों यूज कर ली ठीक है ये वैल्यू वन से y के इक्वल लिख लिया ये रहा ये वैल्यू टू से डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई के इक्वल हो गया अब करते हैं सिंप्लीफाई डीवाई बाई डी एक्स प्लस डीवाई बाई डी एक्स टू डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस टू वाई तो आप क्या लिख सकते हैं इसको लास्ट में फाइनल ये मिला डी टू वाई अपॉन डी एक्स फिर बेटा ठीक है माइनस टू डीवाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो ये विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन विच क्योंकि अभी कॉन्स्टेंट नहीं है ये इसमें कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है एयर भी नहीं है इसके अंदर विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फाइव है तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ठीक है देखिए कांस्टेंट दे रखे हैं जितने कांस्टेंट उतने ही टाइम आप डिफरेंशिएशन करेंगे जहां कांस्टेंट इलिमिनेट हो जाए यहां पे आपके पास यहां पे आने के बाद कोई भी कांस्टेंट नहीं बचा तो यह आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यह आपके पास है क्वेश्चन नंबर फाइव इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर फाइव कर सकते हैं तो वन से लेकर फाइव तक सिंपल क्वेश्चन है वो आप लोग कर सकते हैं।